आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। इतनी आइडिया, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, ये टाइटन ने बनाई है, इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है, और ये इतना सुंदर है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है, और हमने जितनी घड़ी बनाए उतनी मार्केट में चली गई। खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इम्पोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी, हमारी विजन इतनी कमजोर है। अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा, और वहाँ का पर कैपिटा इनकम, GDP और ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा, तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। जब 5 साल पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो हमारे यहाँ आदमी आदमी को खींचने का काम करने वाला साइकिल रिक्शा था, और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे जो अमानवीय था, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था, जब मैं बिल मैंने रखा था, कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो इस देश का सुनहरा दिन होगा। और हमने निर्णय किया, एक्ट लाया और मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाया। 1 करोड़ लोग, साधारण महोदय, ये आदमी आदमी को खींचने का काम कर रहे थे, और मुझे ऐसा तो क्लासिफिकेशन करना उचित नहीं होगा, पर उनमें से 70% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। और आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सब जगह पर जाइए, ये जो आदमी आदमी को चलाने वाला ई रिक्शा रिप्लेस हुआ है मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा से। 1 करोड़ लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी ने जीवन दिया। कभी कभी बहुत विनोदी एग्जांपल है, आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इम्पोर्ट हो रहा था, तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। और आज आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई है तो इन हमारी जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में हमारा कम्युनिकेशन में काफ़ी कमी है। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी हमारी योजनाएं अभी पूरी मालूम नहीं, उनकी तो छोड़ दो, मैं भी रोज रोज पढ़ता हूँ तो मुझे नई बात मालूम होती है, मुझे भी पूरा डिटेल मालूम नहीं इस स्थिति है। और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि अभी हम लोग तय किया था पर अभी पोस्टपोन किया है, कि आप सब सदस्यों को हम लोग बुलाएंगे, सबके सामने हमारी योजनाओं का एक प्रेजेंटेशन करेंगे। आप सब लोग ये करिए, इतनी आइडिया, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, हमारी विजन इतनी कमजोर है, ये टाइटन ने बनाई है, इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है, और ये इतना सुंदर है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है, और हमने जितनी घड़ी बनाए उतनी मार्केट में चली गई। अब हमारे पास सर मैंने सबको फ्री ऑफ चार्ज देना तो मुश्किल है, पर मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को दिया और हमारे लोकसभा के स्पीकर को दिया, कुछ प्रमुख लोगों को दिया है, मैं विपक्ष के नेता जो है उनको जरूर एक घड़ी भेंट दूंगा पर आप लोगों को मैं कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट देके उसको मिलने की व्यवस्था करूँ। आपको तो ये जीन की पैंट, जहाँ कोई पत्रकार है ये सब लोग जीन की पैंट पहने हुए दिखते, मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती, क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इम्पोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी, हम हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर भर के 40,000 करोड़ का पेपर पल्प आता है, 40,000 करोड़ का पेपर आता है, 20-25,000 करोड़ की लकड़ी आती है, हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी हुई है। अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा,
और वहां का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। अपने बच्चों को देनी हो सही दिशा तो आज ही एडमिशन करवाइए नवप्रभात मिशन में। बच्चे हैं देश का भविष्य, दीजिए एक नई दिशा नवप्रभात मिशन के साथ। पिछले 20 वर्षों से गुड्डा वासियों का विश्वास, नवप्रभात मिशन कर रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। गुड्डा का विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, नामांकन जारी है, जल्द संपर्क कीजिए। लेट्स एम हाई फॉर योर चाइल्ड, टुगेदर वी विल फ्लाई।